निकले तरनजीत सिंह संधू साहब हैं सर, एक आप आईएफएस अफसर रह चुके हैं, इंडिया न्यूवाई टू श्रीलंका रह चुके हैं, अमेरिका रह चुके हैं, तो सर बीजेपी में ज्वाइन करने का क्या मकसद है सर? मैंने पिछले 10 साल प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम किया है, यूएसए में किया, श्रीलंका में किया, और जैसे मैंने कहा कि बहुत डेवलपमेंट फोकस्ड फॉरेन पॉलिसी रही है, और वो डेवलपमेंट पंजाब में और अमृतसर खास तौर पे पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैं बहुत दिल से जुड़ा हूँ। सर आप इंडियन एम्बेसडर टू अमेरिका रहे, पिछले 10 साल की फॉरेन पॉलिसी और पहले की फॉरेन पॉलिसीज में कितना अंतर देखते हैं सर आप? मैंने आपको यह बताया कि ये एक एवोल्यूशन रही है, लेकिन खास तौर पे रिलेशनशिप अब एक पार्टनरशिप में बदल गई है। आई थिंक उसी में एक जवाब मिल जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप में दोनों साइडें एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए एक फायदा देखती है। सर आखिरी सवाल ये है कि क्या आप कहीं से, अगर बीजेपी आपको टिकट देती है तो कहाँ से लड़ना चाहेंगे, और लोकसभा चुनाव में आपकी क्या योगदान रहेगा? देखिए, अमृतसर की डेवलपमेंट के लिए मेरा फोकस है, और उसमें जो भी पार्टी डिसाइड करती है, जिस तरीके से मैं मदद कर सकता हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत ही शुक्रिया सर। ये थे इंडिया के फॉरेन एम्बेसडर जो कि श्रीलंका से लेकर अमेरिका तक में रहे हैं, जिनका साफ कहना था अगर पार्टी उनको एक टिकट देती है तो अमृतसर वो जगह होगी जहाँ से वो लड़ना चाहेंगे। कैमरामैन मनीष ढौंडियाल के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।